मैं इसकी आखिरी शायर मोहतरम मौलाना रजी बिस्वानी साहब से मुल्तमिस हूँ एक बुलंदतरीन नारे सलवात सुदका इस्तकबाल का, और इसके बाद मौलाना हुजरतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना फिरोज अदर साहब की के दुआया कलिमात होंगे और ये महफिल अगले साल तक के लिए मुल्तवी। नारे सलवात हजरत, वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं किसी से कोई गुजारिश नहीं करूंगा, आप हजरत तवज्जो फरमाएं, मैं तरह ही कलाम पेश कर रहा हूं। मतलब अलहदा फरमाए, गमे सरवर की रखी इस तरह बुनिया ज़ैनब ने, गमे सरवर की रखी इस तरह बुनिया ज़ैनब ने, गमे सरवर की रखी इस तरह बुनिया ज़ैनब ने। अब भी कहने की जरूरत है कि सिमट आइए और तवज्जो से सुनिए, बिल्कुल वक्त नहीं है तो तवज्जो फरमाइए आप। गमे सरवर की रखी इस तरह बुनिया ज़ैनब ने, मेरे उजड़े हुए घर को किया आबाद ज़ैनब ने, गमे सरवर की रखी इस तरह बुनिया ज़ैनब ने, मेरे उजड़े हुए घर को किया आबाद ज़ैनब ने, गमे शब्बीर से पहले जो आंखें एक सहरा थी, गमे शब्बीर से पहले जो आंखें एक सहरा थी, उसी सहरा से दरिया कर दिए इजाज़ ज़ैनब ने, ऐसे ही सुनोगे। गमे सरवर की रखी इस तरह बुनिया ज़ैनब ने, क़िबला आपसे दुआएं चाहता हूं, गमे सरवर की रखी, बदरुल साहब जरा आप भी कुछ बोला कीजिए, गमे सर आप लोग इधर आ जाइए, गमे सरवर की रखी इस तरह बुनिया ज़ैनब ने, वक्त नहीं है, अजान का वक्त बिल्कुल करीब तर है, गमे सरवर की रखी इस तरह बुनिया ज़ैनब ने, मेरे उजड़े हुए घर को किया आबाद ज़ैनब ने, गमे शब्बीर से पहले जो आंखें एक सहरा थी, गमे शब्बीर से पहले जो आंखें एक सहरा थी, उसी सहरा से दरिया कर दिए इजाज़ ज़ैनब ने, बचा कर वादाए वहदानियत को जलते खैमों से, बचा कर वादाए वहदानियत को जलते खैमों से, इमामों के भी चेहरे कर दिए हैं शाह ज़ैनब ने, सुनिए तरह ही कलाम, तवज्जो फरमाइए। गमे सरवर की रखी इस तरह बुनिया ज़ैनब ने, नौजवानों तवज्जो मेरे भाइयों, तवज्जो बहुत तवज्जो, गमे सरवर की रखी इस तरह बुनिया ज़ैनब ने, मेरे बोलते रहो, खामोश नहीं बैठने दूंगा किसी को भी, तवज्जो, गमे सरवर की रखी इस तरह बुनिया ज़ैनब ने, मेरे उजड़े हुए घर को किया आबाद ज़ैनब ने, गमे शब्बीर से पहले जो आंखें एक सहरा थी, शेर दिया मैंने, आप नहीं तवज्जो कर रहे, कोई बात नहीं है, गमे शब्बीर से पहले जो आंखें एक सहरा थी, उसी सहरा से दरिया कर दिए इजाज़ ज़ैनब ने, बचा कर वादा है वहदानियत को चलते खैमों से, इमामों के भी चेहरे कर दिए हैं शाह ज़ैनब ने, उन्हीं लम्हों के अंदर गिर गई दीवार उन्हीं लम्हों के अंदर गिर गई दीवार बैत की, मुअय्यन की थी जितनी जुल्म की मियां ज़ैनब ने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिल्कुल वक्त नहीं है, सारी तवज्जो मेरी तरफ मरकूज कीजिए और शेर सुनिए, उन्हीं लम्हों के अंदर, जो बाहर है वहीं से सुने, उन्हीं लम्हों के अंदर गिर गई दीवार बैत की, मुअय्यन की थी जितनी जुल्म की मियां ज़ैनब ने, कयामत तक हुदूद उसके मुशख्खस हो नहीं सकते, कयामत तक हुदूद उसके मुशख्खस हो नहीं सकते, निजामे सब्र को दी है जो इस्तेदाद ज़ैनब ने, निजामे सब्र को दी है जो इस्तेदाद ज़ैनब ने, शेर सुनिए, महाज़ करबला से जुल्म के दारुल हुकूमत, महाज़े करबला से जुल्म के दारुल हुकूमत तक हर एक मंजिल बाकी है गुफ्तगू आज़ाद ज़ैनब ने, अल्लाह अकबर अल्लाह
अकबर। मेरे भाइयों तवज्जो, मैं बड़ी मेहनत से शेर कहता हूं, आपका फर्ज है कि मुझे तवज्जो से सुने। महाज़े करबला से जुल्म के दारुल हुकूमत तक मुझे इस वक्त दाद नहीं मिल रही है। मेरे शेर ज़ाइले समात हो रहे हैं, कोई बात नहीं। महाज़े करबला से जुल्म के दारुल हुकूमत तक हर एक मंजिल पकी है गुफ्तगू आज़ाद ज़ैनब, हर एक मंजिल पकी है गुफ्तगू आज़ाद ज़ैनब। लगा दी ज़रबते तहरीर की बोहतात कूफे पर, ज़रबते तहरीर की बोहतात कूफे पर, अली की रूह को फिर भी मुबारक। ये हाल है, अल्लाह अकबर। ऐसे सुनोगे या पूरा मजमा सुनने वाला हो। मजमा बहुत है, तवज्जो की जरूरत है। तवज्जो, लगा दी ज़रबते तहरीर की बोहतात कूफे पर, अली की रूह को फिर दी मुबारकबाद ज़ैनब ने। हुसैन ने अली का मध्यम पल नहीं सका, हुसैन इब्ने अली का सब मध्यम पल नहीं सका। सिमट आइए, महाज़े करबला से जुल्म के दारुल हुकूमत तक, महाज़े करबला से जुल्म के दारुल हुकूमत तक हर एक मंजिल पकी है गुफ्तगू आज़ाद ज़ैनब ने। लगा दी ज़रबते तहरीर की बोहतात कूफे पर, अली की रूह को फिर दी मुबारकबाद ज़ैनब ने। हुसैन इब्ने अली का सब्र मध्यम पढ़ नहीं सकता, ज़बाने करबला को दी है वो रूदास ज़ैनब ने। तवज्जो, सलूनी की ज़बान सदके हुल लहजे की बलागत पर, सलूनी की ज़बान सदके हुल लहजे की बलागत पर लिसानुल्लाह से ले ली है इस्तेशहाद ज़ैनब ने। लिसानुल्लाह से ले ली है इस्तेशहाद ज़ैनब ने। अब देखता हूं कौन खामोश रहता है। वो मख्तल था जहां उन मोहम्मद के जनाजे थे, वहां भी की नहीं लेकिन कोई फरियाद।
वो मक्तल था जहां औनो मोहम्मद के जनाजे थे, वो मक्तल था जहां औनो मोहम्मद के जनाजे थे, वहां भी की नहीं। लेकिन कोई फरियाद ज़ैनब ने, सुनिए क़िबला मेरे कानों में है अब तक, मेरे कानों में बाकी है सदाए आला का शब्द, मेरे कानों में बाकी सदाए आला का शब्द, मुझे शामे गरीबा में किया है या ज़ैनब। मेरे कानों में है बाकी सदाए अल्लाह का शब्द, मुझे शामे गरीबा में किया या वो मक्तल था जहां मोहम्मद के जनाजे थे, वो मक्तल था जहां मोहम्मद के जनाजे थे, वहां भी की नहीं। लेकिन कोई फरियाद ज़ैनब मेरे कानों में है अब तक सदा, मेरे कानों में बाकी है सदाए आला का शब्द, महसूस करें मेरे कानों में बाकी है सदाए आला का शब्द, मुझे शामे गरीबा में किया ज़ैनब ने। आंखों में जो अकबर का सरापा नहीं होता, आंखों में जो अकबर का सरापा नहीं होता, फिर मर्सिये होते ये कसीदा नहीं होता। आंखों में जो अकबर का सरापा नहीं होता, फिर मर्सिये होते ये कसीदा नहीं होता। शर्मिंदाए ताबीर तमन्ना नहीं होता, शर्मिंदाए ताबीर तमन्ना नहीं होता, बहलोले विलायत कभी गूंगा नहीं होता, बहलोले विलायत कभी गूंगा नहीं होता। तारीख तराशी है ये मीसम के लहू ने, तारीख तराशी है ये मीसम के लहू ने, सच बोलने वाला कभी रुसवा नहीं होता। तवज्जो तवज्जो, आप बोलेंगे मुझे यकीन है आप बोलेंगे, तवज्जो फर। आंखों में जो वक्त नहीं है इसलिए मैं बहुत तेज पढ़ रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा कि आंखों में जो अकबर का सरापा नहीं होता, फिर मर्सिये होते ये कसीदा, तवज्जो फरमाइए, फिर मर्सिये होते ये कसीदा नहीं होता, शर्मिंदा ताबीर तमन्ना नहीं होता, बहलोले विलायत कभी गूंगा नहीं होता, तारीख तराशी है ये मीसम के लहू ने, सच बोलने वाला कभी गूंगा नहीं होता। होती है जहां मंजिल मजहब तो यकीना, ऐ अक्ल वहां कोई इजाफा नहीं होता, ऐ अक्ल वहां कोई इजाफा नहीं होता, ऐ वजह खुदा इतना किसी बंदे का तो जलवा नहीं होता। जिन खेतों में लगते हैं शजर इश्क़े आली के, जिन खेतों में लगते हैं शजर इश्क़े आली के, अरे वक्त वहां पर कभी सहरा नहीं होता, वहां पर कभी
सहरा नहीं होता। काबे को इसी बात पर बनवाया था हक ने, काबे को इसी बात पर बनवाया था हक ने। हैदर जो न होते कोई पैदा नहीं होता। काबे को इसी बात पर बनवाया था हक ने, हैदर जो न होते कोई पैदा नहीं होता। अल्लाह ये जहरा का शरफ है, अल्लाह ये जहरा का शरफ है, वरना कहीं कुरान का पहरा नहीं होता। अज़मतुल्लाह ये ज़हरा का शरफ है, वरना कहीं कुरान का पहरा नहीं होता। ज़हरा के घराने का ये दस्तूर है, ज़हरा के घराने मेरे बुजुर्गों, ये जो नौजवान खड़े हुए हैं आप वही सुन ले, ज़हरा के घराने का ये दस्तूर है, वरना फाकों में सखावत का करिश्मा नहीं होता, फाकों में सखावत का करिश्मा नहीं होता। मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, ये पूरा मजमा घुटनों पर न खड़ा हो जाए तो बात क्या। ज़हरा के घराने का ये दस्तूर है, वरना फाकों में सखावत का करिश्मा नहीं होता। आशूर के हक्सास मवज़्ज़िन की अज़ा पर, आशूर के हक्सास मवज़्ज़िन की अज़ा पर आते ना अगर हुर तो सवेरा नहीं होता।